दोस्तों यहाँ पे फाइनली कूलपेड ने लॉन्च कर दिया अपना इंडिया के अंदर कूलपेड कूल 3 प्लस। वैसे आज दो फोन लॉन्च हुए, एक कूलपेड का कूल 3 और एक कूलपेड कूल 3 प्लस। कूल 3 जो है वो ऑफलाइन पे आपको मिलेगा, जो नॉर्मल दुकान पे मिल जाएगा, और स्पेशली ऑनलाइन सीरीज जो लॉन्च की है कूलपेड कूल 3 प्लस, जो आज हम बात करने वाले हैं कूलपेड के कूल 3 प्लस के बारे में कि क्या कुछ खास हमें देखने को मिलेगा इस कूलपेड कूल 3 प्लस के अंदर, और क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इस 7000 के फोन को, क्योंकि आज के समय में रियलमी C2 भी उपलब्ध है, रेडमी का 7A भी है। तो ऐसे में क्या हम कूलपेड कूल 3 प्लस लें 7000 में? नहीं, आगे हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कूलपेड 3 प्लस के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो काफी ठीक ठाक सा फोन है, एक आपको बिल्ट इन डिजाइन क्वालिटी की अगर हम बात करें तो एक नॉच के साथ ही फोन आता है, और 5.71 इंच की एक HD+ डिस्प्ले के साथ ही फोन आता है। पीछे में बात करें तो यहाँ पे एक चीज मेरे को जान के बहुत अजीब लगा कि 7000 में कंपनी आपको सिंगल रेयर कैमरा दे रही है जो की है 13 MP का, और साथ में एक LED फ्लैश और बाकी एक फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे दे रही है। अगर हम बात करें इसके हार्डवेयर की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हीलियो का A22 चिपसेट जो की आपको 2 GB की रैम और 16 GB की स्टोरेज के साथ और 3 GB की रैम और 32 GB की स्टोरेज के साथ दो वेरिएंट आपको उपलब्ध है। इस दो वेरिएंट के साथ आपको ये प्रोसेसर आता है। तो मेरे को नहीं मालूम कि 8000 में कोई ये प्रोसेसर को क्यों लेगा, क्योंकि ये प्रोसेसर मेरे हिसाब से 7000 के लायक आज के समय मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा और कोई प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का या फिर हीलियो का ही और कोई बढ़िया प्रोसेसर दिया जाता 8000-7000 में तो मैं बोलता है सही है, लेकिन 7000 में कोई लगता नहीं कि आज के समय में हीलियो A22 सही बैठता है मार्केट के हिसाब से। फिर भी इस कंपनी ने चूज किया है, क्यों किया ये कंपनी ही बताएगी। अगर हम बात करें इसके कैमरे की तो यहाँ पे आपको 13 MP का सिंगल रेयर कैमरा दिया गया है, और 8 MP के लिए सेल्फी कैमरा यहाँ पे आपको दिया गया है। ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड पाई पे रन करता है, और 3000 mAh की एक पावरफुल बैटरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो फाइनली अब इसके अगर प्राइसिंग की बात करें तो वैसे ज्यादा कुछ महंगा फोन तो है नहीं, 6000 में आपको 2 GB+ 16 GB वेरियंट मिल जाएगा, और 500 रुपए और बढ़ाने पर 6500 में आपको 3 32 अलग वेरियंट मिल जाएगा। तो फाइनल वर्डिक्ट की अगर हम बात करें कि 6500 में लेने लायक है नहीं है, तो मैं बोलूंगा वैसे डिसेंट सा फोन है, और 6500 में जितनी जरूरत की चीज है वो कंपनी सभी आपको प्रोवाइड करा रही है। बस ये है कि आपको 2 32 वाला वेरिएंट आपको जो 6000 मिल रहा है वो सही नहीं है, बाकी अगर आपको लेना है तो 3 32 वाला 6.5 में जो मिल रहा है 500 रुपए बढ़ा के वो ले लें तब परफेक्ट रहेगा, वरना मेरे को लगता है इससे बढ़िया आप रियलमी C2 की तरफ मूव कर सकते हैं। तो 2 16 वाला वेरियंट न लेके 3 32 वाला 6500 मिले बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती है, और कमेंट जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है फोन लेने लायक है या फिर नहीं।